शाकाहारी अंडा देखिए, इसमें कोई अंडा वगैरह नहीं ना, बस केवल आपने शाकाहारी है, शाकाहारी है, प्रसाद वगैरह में भी चढ़ाया जा सकता है। और ये देखिए गाजर का हलवा, काली गाजर का हलवा आप यहाँ पे देख रहे हैं। भले ही हमारा वेट 70 किलो हो जाए लेकिन हम खाएंगे लेकिन यार वाकई में इसका टेस्ट काफी अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना वो एकदम मिठाई शिठाई का बनने वाला है। और मैंने सुना है यहाँ की जो मिठाई है ना वो बड़ी ही फेमस है। तो मैं इस समय खड़ी हूँ श्री राधे रस कुंज में और ये लोकनाथ चौराहा है चौक प्रयागराज, भाई संगम नगरी में है यहाँ पे। तो हमने कहा कि मिठाई विठाई भी आपको खिला दीजिए और आज हम आपको दिखाएंगे, आओ दिखाऊँ तुम्हें अंडे का वंडा फंडा, फंडा होता है शायद। आइए आइए आपको हम यहाँ की मिठाई खिलाते हैं जो कि पूरे अंडे शेप में होती है लेकिन वो उसमें अंडा नहीं मिक्स होता है। अब कई लोग का ये होगा कि मैडम अंडा मिक्स होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको आइए यहाँ की मिठाई दिखाते हैं जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको कलरफुल मिठाइयाँ मिलेंगी। दादाजी आपके यहाँ जो अंडे वाली मिठाई जो बहुत फेमस है वो दिखाइए पहले आप। ये देखिए दादी लाइट वाइट ऑन कर दे रहे हैं एकदम, वाह ये हुई ना बात। अब ये मक्खन का है। अच्छा, ये जब काटिएगा आप तो ये ऐसा निकलेगा। ये देखिए आप इसमें ये कोई है क्रीम का, क्रीम का, इसमें कोई अंडा वगैरह नहीं ना, बस केवल आपने शाकाहारी है, शाकाहारी है, प्रसाद वगैरह में भी चढ़ाया जा सकता है। केवल इन्होंने एक अट्रैक्टिव चीज़ बनाई है जो कि बहुत ही प्यारी, हमने अभी तो पहली बार खाई है ऐसी कोई चीज़। तो ये बताइए कि मतलब आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे वही बनाने, उन्हीं का। मतलब बहुत पहले से? बहुत पहले से। कितने साल पुरानी दुकान हो गई? अच्छा, तो 200-2500 साल ये पुरानी दुकान आप यहाँ इस समय देख रहे हैं। और यहाँ पे ये आपने देखा कि कितना फर्स्ट क्लास, पहले जब बनता है तो ये ऐसा रहता है और फिर जब कटिंग होगी तो ऐसा रहेगा। ये बीच में क्या भरा हुआ है? ये खोया और केसर है। ये खोया और केसर है, कितने रुपए की? मक्खन है ये पूरा, ऊपर मक्खन लगा के अंदर खोया और केसर बना डाल के बनाया जाता है। कितने की है ये? ये 25 रुपए पीस है। ये 25 रुपए पीस आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी। और यार ये गजब लग रही है देखने में, बहुत अट्रैक्टिव। और ये क्या चीज़ है? ये है तरबूज। अच्छा, तो ये देखिए ये है तरबूज, यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा और कटने के बाद ये तरबूज हो जाएगा ऐसा वाकई में आप ऊपर मक्खन लगा हुआ है। अच्छा, और ये बीच में छेना है। अच्छा वाह क्या बात है। और ये बीच में ये छेना है? हाँ, ये लाल वाला छेना है यार, मतलब कोई अगर ले जाए तो पत्ता गोभी सब। और ये इसमें बीजा उजा सब है। अच्छा, सारी चीजें हैं देखिए, बीज वगैरह सारा चीज डाला गया है। इलायची है वो तो बीज का उत्तर। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा बहुत ही कलरफुल और बहुत ही तरीके तरीके की मिठाई भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और कितने की आएगी ये? कितने का आएगा ये? 240 रुपए का पूरा है। हाँ। ये 60 रुपए पीस, 60 रुपए पीस आपको ये यहाँ मिल जाएगा। और 240 रुपए में आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आपको 25 रुपए मिल जाएगा। ये हम एक टेस्ट करना चाहेंगे, एक मेरे सामने ही कट कर दीजिए, मेरे सामने कट होगा। वैसे हम अंडा खाना छोड़ चुके हैं, अंडा वंडा नहीं खाते हम, लेकिन ये यहाँ पे आप खा रहे हैं। ये देखो वाह, जरा देखा जाए कि कैसा टेस्ट है इसका। शक्ल के साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी है जो कि 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये आपको 260 रुपए में, 240 रुपए का ये 60। अच्छा, ये 60 रुपए में और 240 रुपए में आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे आके खाने के लिए। वाह, तो आइए आपसे मिलते हैं, अभी एक और शॉप आपको दिखाते हैं वहाँ पे मिलता है बड़ा ही स्पेशल चीज़, तो चलेंगे वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको, रुके। ये मक्खन का अंडा देखिए, शाकाहारी अंडा देखिए, कृष्ण जी वाला मक्खन देखिए। जो कृष्ण जी मक्खन खिलाया जाता था कृष्ण जी को, उसी से इसके ऊपर की जो परत बनाई गई है, वो जो परत बनाई गई है वो उसी मक्खन से बनाई गई है जिससे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम लोग भोग लगाते हैं।
तो आइए चलिए हम चलते हैं आगे, भी दिखाते हैं आपको। फाइनली हमने वहाँ पे खाया अंडा और वो तरबूज तो गजब का लग रहा था देखने में। तो अब आइए आपको यहाँ पे हम खिलाते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशल गाजर का हलवा मिलता है। आपने हमेशा वो लाल गाजर वाले हलवा खाया होगा ना, आज आपको हम स्पेशल दिखाते हैं यहाँ पे आइए, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे देखिए राजा राम लस्सी वाले, जो अभी मैंने आपको दुकान दिखाई उससे ठीक मुश्किल से 10 कदम दूर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा राजा राम लस्सी वाले के यहाँ। और ये देखिए गाजर का हलवा, काली गाजर का हलवा आप यहाँ पे देख रहे हैं, और लाल गाजर का भी तो है, गोरी गाजर भी होती है क्या? यहाँ पे आपको काली गाजर का हलवा मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये हम इस समय खड़े हुए हैं लोकनाथ चौराहा प्रयागराज इलाहाबाद भी आप लोग बोल सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि फिर से आपने बताया नहीं है, चौक है लोकनाथ चौराहा है। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो ही पूरा नहीं देते हैं, और पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रयागराज को भी आगे बढ़ाइए, हमारी काशी को भी आगे बढ़ाया। आप ही लोग ने इतना प्यार दिया है तो अब इलाहाबाद वालों की बारी है, देखते हैं इलाहाबाद वाले हमें कितना प्यार देते हैं। दादाजी काली गाजर का हलवा दीजिए, जरा सा थोड़ा सा दीजिएगा, जरा सा बस। खा खा के मोटाए जा रहे हैं, 55 किलो हमारा वेट हो गया है। ये जाड़े के समय में खाली बनता है, ये जाड़े के समय में आपको ये मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए। और इसका टेस्ट भी सुने हैं कि बहुत गजब का है, तभी तो आए हैं हम। आप लोग भी आइए, संगम नहाइए, पापा भूलिए, गाजर का हलवा हलवा खाइए, घर में भले ही ना नहाइए, संगम जरूर नहाइए। ये देखिए आ गया हमारा यहाँ पे गाजर का हलवा। ये ऊपर क्या डाले इसमें? ये थोड़ा सा काजू हुआ, इलायची पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, तो इसमें यहाँ देखिए काजू और वो भी डाला गया है। क्या हो बाबू, तुम कहाँ पीछे पड़े हुए हो, लोगे क्या? रुक जाओ, पहले तो लीजिए भैरव जी की सवारी। ये आ गया हमारे काजल गाजर का हलवा। देखो अगर वैसे कुत्तों ने घेर लिया है। अच्छा चलो, अभी तक एक चम्मच ही मेरे मुंह में नहीं जाने दिया इन्होंने। लो ले लो, बस अब गंदी बात नहीं, जाओ अब मेरी बारी भी तो है। इसका टेस्ट भी गजब का आ रहा है, और जैसा कि आपने देखा यूनिक चीज है। आपने कहीं भी गाजर का हलवा, काले गाजर का हलवा नहीं खाया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे राजा राम जी के यहाँ जो है आपको ये काला गाजर का हलवा मिल जाएगा। और वैसे हम आप ये जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, गाली नहीं देने का है हमको। ले लो ले लो, आपको हम यहाँ पे ना, अभी एक चीज़ तो हमारी बाकी रह गई है, वो भी हम आपको खिलाएंगे यहाँ पे थोड़ी ही देर में। वैसे ये खा के ना एकदम मज़ा आ गया, इसमें जो काजू किशमिश का टेस्ट आ रहा है ना। दादी क्या रुपए किलो है ये, कितने रुपए किलो आएगा ये? 400 रुपए किलो आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठंडी बहुत है, हम तो लस्सी खाते हैं, यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है इनके यहाँ की। तो अब आइए आपको अब हम और भी चीज़ें दिखाते हैं, दो मिनट रुकिए, हम खा के आते हैं आपके पास। और इन्हीं के यहाँ की फेमस है मक्खन मलई, तो वो भी आपको खिलाना बनता है। ये देखिए आगे हमारी यहाँ, अच्छा ये कितने रुपए किलो आएगा ये मक्खन? 600 रुपए किलो, ये कोचन 600 रुपए किलो। अच्छा तो ये आपको 600 रुपए किलो यहाँ पे मिल जाएगा, और ये खुरचन जो मलाई का होता है वो भी आपको 600 रुपए किलो यहाँ पे मिल जाएगा। आके खा लीजिए, दादाजी बड़ा टोपी शोपी लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो गाजर का हलवा है यार, गजब का था, दमदार, घर में इसको लेके जाइए और खाइए, गजब का लगेगा। और ये वाला जो है 400 रुपए किलो है, मक्खन है। भले ही हमारा वेट 70 किलो हो जाए लेकिन हम खाएंगे। लेकिन यार वाकई में इसका टेस्ट काफी अच्छा है। खाना बनता है, चाचा लस्सी पिलाइए। इनके यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है,
फेमस है ना, आप लोगों को पसंद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फेमस है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के रिव्यू भी आपको हमने दिला दिया, यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है। अगर गर्मियों में आइए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लस्सी भी मिल जाएगी। अभी एक चीज़ तो बाकी रहेगी, दो मिनट रुकिए, आप ये खा के आपको मिलते हैं। तो दादाजी के यहाँ जो हमने अभी राजा राम लस्सी वाले जी के यहाँ जो अभी हमने मक्खन मलइयों खाया ना, वो भी गजब का था यार। उसका जो दूध था ना, उसका हमने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन वो था बड़ा गजब का। तो अब आइए बाती बारी इलाहाबादी समोसे की। अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है? प्रयागराज। भूलिएगा मत, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो आइए यहाँ पे आपको खिलाते हैं इलाहाबादी समोसा, जो कि ठीक दादाजी के दुकान के ठीक बगल में। अरे दादाजी को दिखाइए भाई, हमारे टोपियों भी लगा के लग रहे हैं दादाजी। तो दादाजी के ठीक बगल में उनका उनका उनकी जवानी देख लीजिए फिर आप, बड़ा छोटा बड़े। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इलाहाबादी समोसे, और समोसे के साथ यहाँ पे बड़ी सारी वैरायटीज रखी हुई हैं। तो ये बताइए देसी घी वाला समोसे का क्या प्राइस आ जाएगा? देसी घी का समोसा थोड़ा तेज, अरे इतने प्यार से बोलो यार, कहाँ आवाज जाएगी। देसी घी का समोसा 600 रुपए किलो है। अच्छा, नॉन देसी घी 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो है। तो इसमें प्राइस इसका जो है इन्होंने बताया, और इसके अंदर क्या भरा रहता है? इसके अंदर मसाला भरा रहता है, आलू का मसाला रहता है। अच्छा, आलू नहीं मिलेगा, आलू का मसाला रहेगा। एक हमको दीजिए, हम खा के बताएंगे ना सबको। खाने पीने के मामले में हम भूल जाते कई बार रिकॉर्ड करना। ये देखिए, और ये समोसा सुना है खराब नहीं होता है? तो ये आप एक दो महीने तक आपका ये समोसा जो है वो खराब भी नहीं होगा। और इसको अक्सर लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बेचते हैं, लेकिन प्रयागराज का ये सबसे फेमस है। और आपके यहाँ ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है? ये नमकीन है, सालमोर। अच्छा, ये वाली नमकीन जी, इसे मिक्सर बनाया जाता है। मिक्सर में खट्टा चना, चने की दाल, दिया भुट्टा, सब पालक सब मिला के बनाया जाता है, और लोगों को बहुत पसंद आता है। नाम इनके दुकान का है अनंत राम एंड सन्स। सबका नाम राम क्यों है? अब हमारे पास बाबा की दुकान है। अच्छा, तो सारे लोग फैमिली वाले हैं क्या आप लोग? मतलब जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, पहले समय में सब लोग भगवान का नाम रखते थे। अच्छा, अब जो है किसके यहाँ फिल्म का नाम देख के रखते हैं। अच्छा, आप फिल्म का नाम देख के रखते हैं पहले जो है। हाँ, MBA चाय वाला, इंस्टाग्राम चाय, और पता नहीं कौन कौन सी चाय। सही कह रहे हैं दादाजी आप, पहले तो लोग भगवान के नाम से रखते थे। तो ये आपके दादाजी की दुकान थी? पर दादा की दुकान थी। मतलब कितनी पुरानी दुकान होगी? 80-90 साल। यहाँ पे ये 80-90 पुरानी दुकान है, 80-90 साल पुरानी दुकान आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या होना है, मोहन लस्सी भंडार। मोहन जी राम नहीं लगाया आप? अच्छा, तो इनके बाबा का नाम मोहन था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बिहार को काजी बड़े बढ़िया तरीके से इन्होंने पैक वैक करके रखा है, देखिए कितने फर्स्ट क्लास से। और यहाँ पे मक्खन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं लोकनाथ चौराहा प्रयागराज में, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अरे जय हनुमान जी। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब, अरे यार इतने प्यारे लग रहे हो तुम, बोलो थोड़े लड़कियाँ वड़कियाँ लाइक करें। अरे इतना प्यार से यार, किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर रहे हो, तेज। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। हाँ, ये हुई ना बात, अब इसको हम फिनिश करके बाद में मिलते हैं, बाय।